दोस्तों मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए ईपीएस 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक से होंगे और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के जो डेटा हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं अजय जी, आई थिंक अजय पटेल जी, उन्होंने ये डेटा भेजे हैं और उन्होंने जानना चाहे कि उनकी एक्चुअल पेंशन कितनी बनेगी और कितना उन्हें अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो डेटा भेजे हैं, देखिए लोग कहते हैं कम सैलरी वालों का आप नहीं लेते, तो ये कम सैलरी वाले ही हैं। 96 में मात्र 1250 रुपए इनकी सैलरी थी, टोटल वेज इन्हें 1250 रुपए मिले थे, तो हम उस हिसाब से देखेंगे कि नवंबर में इनका 625 रुपए पे ही कंट्रीब्यूशन गया हुआ है। 625 रुपए पे कंट्रीब्यूशन गया और स्टार्टिंग इनकी जो है वो मात्र 1250 सैलरी से हुई है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हायर बेसिक वालों का ही लेते हैं, जो भी लोग मुझे डाटा भेज देंगे मैं उनका ले लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह हमने जो कैलकुलेटर है, अब तो ये कैलकुलेटर जो है जब जाहिर है क्योंकि ईपीएफओ की साइट पर डला हुआ है और लगभग हर व्यक्ति ने इसे डाउनलोड कर लिया है। इसमें मैंने जो चेंजेस किए हैं वो मेरे चेंजेस बस इतने हैं कि उनका कैलकुलेटर 5 पेज में, मेरा 1 पेज में है और मेरा कैलकुलेटर उन्होंने 2022-23 जून तक बनाया है, मेरा कैलकुलेटर आगे भी काम करता है, ठीक है जी। और उससे केवल आपको इंटरेस्ट पता लगेगा और हमें आगे भी चीजें पता लग जाती है। तो हम ये सब चीजों पर, हमारा जो टोटल वेज है इस कॉलम में जो व्हाइट कॉलम है इसमें हमने उनका वेज लिया है और ये 8.33% हमने एक कॉलम में ले लिया, 1.16% एडिशनल हमने एक कॉलम में ले लिया। इसमें जो कंट्रीब्यूशन पेड है वो हमने यहां ले लिया और यदि हम इसको कंट्रीब्यूशन पेड लिखें तो ये हमारा जो है हम इसे चेंज कर सकते हैं कि यहां इन्होंने 52 कंट्रीब्यूशन पेड में 52 रुपीज ही दिए होंगे, ना कि 208 रुपए, जो कि 208 रुपए जाने थे। अच्छा यस, ये 208 रुपए हम कर सकते हैं, 208 रुपए जाने थे लेकिन हमने तो दिए हैं 105, तो हमें आगे कुछ भी पे नहीं करना है इस पे। और जहां जहां आप देखेंगे कि इनकी जहां जहां सैलरी एक्सीड हुई है वहां वहां इनको पे करना पड़ेगा। 8.33% हमने यहां ले लिया, 1.16% केवल हम वहां लेंगे जहां से वो लागू हुआ है, और 417 रुपए पर मंथ पे करने थे हमें, लेकिन चूंकि हमारा कौन है तो इसलिए अमाउंट यहां पे जीरो आया है। इस महीने में जनवरी 97 में शायद इनका प्रमोशन हुआ हो या एरियर मिले हम तो इनको 19,000 समथिंग अमाउंट मिला है, तो उस पे जो अमाउंट गया है ईपीएफओ को वो ज्यादा गया है, इसीलिए इसमें आपको 1196 रुपए उस महीने के पे करने पड़ेंगे। इसी तरह आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको हर महीने ये हमने पूरा का पूरा ये कैलकुलेट कर लिया है। हम पूरा कैलकुलेट उसी प्रकार से जिस प्रकार से ईपीएफओ के कैलकुलेट में दिया गया है हमने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब हम आते हैं फिर इस पे मैंने पीछे भी बताया था, मैं फिर बताना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ था, अलग से दो पार्ट किए गए थे। पार्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया था तो उसको हमने यही अकेले ही कैलकुलेट किया गया, यही कैलकुलेट कर दिया है कि 3 महीने का जो इंटरेस्ट था 12% था, बाकी 9 महीने का 11% था। 9 महीने का हमने अलग यहाँ 369 रुपीज इनका निकाल दिया और 15 हमने यहाँ निकाल दिया क्योंकि ये इंटरेस्ट का ही कॉलम है, 115, तो टोटल हमारा उतना ही आता है जितना उसमें आता है, वो हमने करके देख लिया है। तो इस तरह हमें ये हम पूरे कैलकुलेटर में हम इसी तरह फिगर डाल देंगे और फिगर डालने के बाद में जो समझने वाली बात है हम वहां आ जाते हैं सीधे सीधे कि ये हमारी कैलकुलेशन बन जाती है। और कैलकुलेशन बनने के बाद में जब हम देखेंगे तो हम सीधे आ जाते हैं आज की डेट में 23 जून तक। मैं ये मान के चलता हूं, देखिए जो जून वाला फंड होता है वो जून वाला फंड जुलाई में जमा होता है। अभी आपको जानकारी होगी वैसे सभी को कि हमारा जो एक महीने का पैसा होता है, जैसे जून का पैसा, 30 जून का पैसा जो यही महीना चल रहा है, इसका अगली 15 जुलाई तक आप
कंपनी को काट के भेजना होता है। 15 जुलाई तक ही इनकम टैक्स में जाता है, 15 जुलाई तक यानी अगले महीने की 15 तारीख तक पिछले महीने का हिसाब किताब हमें ईपीएफओ को भेजना होता है, यानी वो जुलाई में पैसा जाता है और जुलाई से ही उसको इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। इसीलिए इन्होंने जो ये कहा है, इन्होंने जो कैलेंडर ऐसा बनाया है कि जून का पैसा जुलाई में जमा होगा, तो यानी आप इसे जून ही काउंट करें, आप इसे जुलाई काउंट ना करें, आप इसे जून ही काउंट करें, जो पहला वाला कॉलम है वहीं से काउंट करें, लेकिन ये इस महीने जमा होगा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे यही निकालेंगे। तो जब हम इनका 2022-23 तक निकालते हैं तो आपको 7,29,984 रुपए जमा करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, मैंने बार बार बताया है कि 30 जून तक, चूंकि 26 जून लास्ट डेट है, इसलिए 30 जून तक सारे हिसाब किताब ईपीएफओ को कर देने चाहिए, यानी एक कट ऑफ डेट बना देनी चाहिए, उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा। आपने मूल पे हमने निकाल लिया, अब जो लोग यहां से पहले रिटायर हो जाते हैं उनका फंड यहां खत्म हो जाता है और हम यहां से उनका आगे शुरू कर देते हैं। तो 7,71,091 रुपीस कितना पैसा, ये आप उससे भी निकाल लिए होंगे, ये लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं जो ईपीएफओ को कैलकुलेटर है, ये दोनों तरफ का जब जोड़ देंगे समरी को 8.3% वाला ले जाके और 1.16% वाला ले जाके, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि इस पेज से लाओ उस पेज से लाओ, इसलिए मैंने टोटल फॉर्मूले एक ही पेज पे डाल दिए हैं। तो ये इस तरह हम 30 जून तक का पैसा और कट ऑफ डेट हम यहां मान के चल रहे हैं कि इतना पैसा इनको जमा करना पड़ेगा हमारे मित्र को। अब हम चलते हैं आगे, इनकी सर्विस आगे भी है। देखिए एक बात फिर मैं बताना चाहूंगा कि 30 जून तक का तो आपको पेमेंट करना है, लेकिन आगे यदि आपकी पॉलिसी फाइनल हो जाती है, मान लीजिए नवंबर अक्टूबर तक भी फाइनल हो जाती है, तो अक्टूबर से आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा मंथली कंट्रीब्यूशन, वो मंथली कंट्रीब्यूशन आपका ऐसे ही जाने लगेगा जैसे हम 1250 हमारी सैलरी से कटता है, यानी उस पे आपको आगे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, इसीलिए अमाउंट में अंतर आ जाता है, आपको सिर्फ आगे मूल मूल देना है, और जबकि यहां तक का जो अमाउंट था आपका, इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, यहां तक वाले अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। और यदि 30 जून के बाद ये क्लियर हो जाता है या अक्टूबर नवंबर तक भी मान लें, तो आपको अक्टूबर नवंबर तक का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड रेट होगा उसके बाद आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। इसीलिए हमने आगे के इंटरेस्ट को जीरो कर दिया है, आगे के इंटरेस्ट को यदि मान लीजिए फाइनल हो जाता तो आगे थोड़ी आपको तो मूल मूल देते जाना पड़ेगा अगले सालों में, यानी जो आपका हर महीने आएगा, हर महीने आपको टोटली आएगा, फिर ये 1250 आपके बंद हो जाएंगे 8.33% और 1.16%, ये कुल मिला के देखें तो आपके 7000 यहां पे, जैसे इस महीने आपके 7000 या 6000 आते हैं, तो ये 6000 सीधे के सीधे आपके ईपीएफओ अकाउंट में जाते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं लास्ट में, लास्ट में हमने यही फिगर बनाई है, हम लास्ट में आ जाते हैं। आपका रिटायरमेंट अगस्त 2030 में है, अगस्त 2030। अब अगस्त 2030 के ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये डेटा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त है, 29 अगस्त 72। 29 अगस्त 72 होने के नाते एक दिन की सैलरी इनको इनको तो मिलेगी लेकिन ईपीएफओ में नहीं जाएगी, ईपीएफओ में 29 अगस्त तक का ही जाएगा, बल्कि 28 अगस्त तक का ही जाएगा, 29 अगस्त से तो इनकी पेंशन मिलने लगेगी, इसीलिए हमने दो दिन का ये अमाउंट कम कर दिया है। यहां इस अमाउंट को हमने कैलकुलेट किया है, हमने टोटल ये 60 महीने का निकाला है, 60 महीने और 60 महीने भी 29, इस 29 से हमने अमाउंट कैसे निकाला है मैं आपको बता दूं कि यदि मेरे, देखिए मैं यहां से बैक काउंट करता हूं और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यदि मैं यहां से बैक काउंट करता हूं ये, तो जब हम इसे बैक काउंट करेंगे और हम 60 काउंट कर लेते हैं, तो ये मैंने 60 काउंट कर लिए, ये यहां तक अक्टूबर 25 इनके 60 महीने हो जाते हैं बैक। जब 60 महीने हो जाते हैं, अब चूंकि हमारे दो दिन वहां कम थे, इसलिए दो दिन की सैलरी आपको इस सितंबर मंथ से लेनी पड़ेगी, तभी तो जाके मंथ टू मंथ 60 मंथ होंगे, इसलिए हमने दो दिन की सैलरी यहां से ली है, यहां से दो दिन की सैलरी ली है, और उस दो दिन की सैलरी को हमने
चूंकि वहां दो दिन की सैलरी थी इसलिए इसको जोड़ दिया है दो दिन की सैलरी में, कहीं जितने दिन कम पड़ रहे हैं, यदि हमने इधर का पूरा महीना ले लिया तो उधर के घटा दिए हैं, या हमें बैक डेट के ही घटाने पड़ेंगे क्योंकि 29 से 29 लेना पड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण है, इससे एवरेज में फर्क पड़ जाएगा। और आने वाले दिनों में देखिए ईपीएफओ में यही होने वाला है कि ये डे वाइज मंथ वाइज नहीं, हम जिस डेट को ज्वाइन किए हैं जिस डेट से, क्योंकि आपको एक और चीज मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ 29 है तो 29 अगस्त से यानी 28 अगस्त को इनका पीरियड खत्म हो जाएगा, 28 अगस्त को सैलरी खत्म हो जाएगी और 29 अगस्त से इनको पेंशन मिलने लगेगी, यानी दो दिन का अगस्त के भी दो दिन की पेंशन इनको मिलेगी, उसका एरियर मिलेगा। और यदि हम अभी हम यहां देखेंगे तो हमने इन दोनों को जो दो दिन की सैलरी वहां से ली है उस सैलरी को चूंकि यहां दो दिन कम पड़ रहे थे हमने इसमें जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद में ये हमने यहां ले लिया, और जब हम इसको लेते हैं तो और 60 से डिवाइड करते हैं फिर अब ये पूरे 60 महीने की सैलरी हो गई पिछले दो दिन का लेने के बाद में, तो हमने ये 60 दिन की सैलरी ले ली और हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारी हो जाती है 111,170 रुपए, 111,170 रुपए हमारी एवरेज सैलरी। इस तरह हमने एवरेज सैलरी निकाली है। अब हम आगे भी इनको एक बहुत बड़ा फायदा एक और होने वाला है, जो चूंकि आपने 8 फरवरी 94 को ज्वाइन किया है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी सर्विस है 16 नवंबर 95 तक, ये सम 1.7 इयर्स आती है जिसको 6 महीने के से हम उसे 2 साल उसका राउंड ऑफ करेंगे तो इसे पीरियड के हिसाब से 2 साल लिया जाएगा, ये 2 साल लिया जाएगा एफपीएस के लिए, यानी एफपीएस में भी आपने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। ये एफपीएस में जब आपने दो साल तक कंट्रीब्यूशन किया है ये माना जाएगा कि 2 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है, और आपकी टोटल सर्विस जो बनती है वो बनती है 35 साल, लेकिन हमारी जो ईपीएफओ की टेबल है उसमें जब आप टेबल बी जाके देखेंगे, ईपीएस की टेबल बी में जाके देख लीजिए, जिनको डाउट हो वो जाके देख लें, वरना मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मैं कोशिश करता हूं 100% सही लिखा जाए, तो उनके लिए 80 रुपए पर मंथ मिलेंगे जिनके अप टू 11 साल तक कंट्रीब्यूशन है जिनका, यानी आपका 2 साल तक कंट्रीब्यूशन है तो आपको 80 रुपए मिलेंगे, और 80 रुपए पर मंथ चूंकि हम निकाल रहे हैं तो 80 इंटू ये फैक्टर जो 34 साल के लिए जो फैक्टर होता है, मैक्सिमम 34 साल के लिए फैक्टर दिया गया है इसलिए हमें 34 साल का ही फैक्टर लेना पड़ेगा, तो वो 13.173 है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी आपकी एफपीएस, देखिए आपने आपको यहां बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, आप एफपीएस का यहां 254 रुपए पेंशन मिलेगी, जबकि जिन लोगों की 15-15 साल एफपीएस में सैलरी है उनको मात्र 500-600 मिलती है, 500-600, मुझे खुद मेरी 8 साल सर्विस 9 साल सर्विस है मेरी और मुझे मेरे खुद 700 रुपए बनते हैं, आपके 254 रुपए बन रहे हैं, उसका कारण यह है क्योंकि आपकी ईपीएस में सर्विस एग्जिस्टिंग सर्विस ज्यादा है, और एग्जिस्टिंग सर्विस के लिए जो हमारा एफपीएस का फैक्टर दिया गया वो ज्यादा दिया गया है, यानी एफपीएस में यदि ईपीएस में आपने ज्यादा सर्विस की है तो उसके लिए फैक्टर आपका बड़ा है, तो ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 254 रुपए पेंशन आ जाएगी। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि यदि हम देखिए हमने 28 अगस्त 2030 को आप रिटायर हो रहे हैं, 28 अगस्त 2030 से यदि हम टोटल आपकी सर्विस देखेंगे ईपीएस में 16 नवंबर 95 तक तो ये दिन में लेना है हमें 12,705 दिन होते हैं, चूंकि अब हम डे में कैलकुलेट कर रहे हैं सब चीजें तो ये 12,705 दिन होते हैं, और जो बोनस ईयर आपको 2 साल का बोनस मिलेगा वो भी हम दिन में लिए हैं 730 दिन, और इनके टोटल डेज आपके हो जाएंगे पेंशनेबल सर्विस के लिए 13,435 दिन। अब 13,435 दिन आपने सर्विस की है 95 से लेके विद बोनस, और आपकी जो पेंशनेबल सैलरी आती है वो आती है 111,170 रुपए, वो एफपीएस की पेंशन हमने यहां निकाल ली, अब हम यहां निकालेंगे पेंशनेबल सैलरी इनटू सर्विस इन डेज डिवाइडेड बाय 365, जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर बन जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय 70, तो इस तरह जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला जो वही बता प्रो डेटा बेसिस पे ही कि पेंशनेबल सैलरी आपकी बनी 111,000, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू डेज टोटल डेज 12,000 13,435
डिवाइडेड बाई 365, तो 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर बन जाएंगे, और डिवाइडेड बाई 70 करेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी न्यू पेंशन बनी 58,477, और पुरानी पेंशन आपकी बनती है 1054 रुपए। इस तरह टोटल पेंशन आपकी बनेगी। ये देखिए, इसमें एक भी पैसे की गलती नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अगला एग्जाम्पल आप अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें चूंकि आपको प्रेजेंट पेंशन नहीं मिलती, तो उसमें जिन लोगों को है उनको प्रेजेंट पेंशन भी मिलती है, इसीलिए आपको पता लगेगा कि आपको ये कैलकुलेशन आपकी 100% सही है। तो आपको 30 जून 2023 तक डिपॉजिट करना पड़ेगा 7,10,091 रुपीज। लेकिन आप यदि आज तक की बात करें, आज तक मतलब 30 अगस्त जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन तक की बात करें, तो चूंकि आगे इंटरेस्ट नहीं देना है तो 15,82,208 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, 15,82,208 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। आप 15,282 रुपए, जब 15 लाख टोटल 82 रुपए जमा करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी पेंशन बन रही है 59,551, तो इसीलिए अब आप देखिए ये 7 साल बाद बनेगी इतनी पेंशन जाके, इसमें डीए और इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। तो जो लोग इस बात पे, मैं यहां एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं उन दोस्तों के लिए कि जो लोग ये डाउट करते हैं कि ईपीएफओ कहां से देगा, देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आपको ईपीएफओ हमारे पैसे पे आपने जो 15,82,000 रुपए जमा किए हैं इस पे ईपीएफओ ईयरली कमाएगा, वो 10 से 11% तक कमाते हैं इस पे, और 10-11% ईयरली कमा के तो इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टोटल फंड पे, उससे ये पूरे फंड को मैनेज करते हैं। और आपका एक बार 59,000 फिक्स हो गया, 59,000 फिक्स हो गया, ये अगले तब तक आप सर्वाइव कर रहे हैं, यानी आप यदि 60 साल में 58 साल में रिटायर होंगे तो यदि अगले 30 साल 35 साल 40 साल भी सरवाइव करेंगे तब भी आपकी पेंशन इतनी रहेगी, लेकिन ईपीएफओ आपके पैसे से हर साल कमाता रहेगा आगे, आपको इन्फ्लेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी इन्फ्लेशन फिक्स हो गई एक बार 58 साल की एज में, और लेकिन जो इंटरेस्ट अर्निंग है ईपीएफओ की वो जारी रहेगी, वो चलती रहेगी, इसीलिए ईपीएफओ ये मेंटेन कर पाएगा और या कर रहा है। तो इस तरह आपको 15,42,508 रुपए जमा करने पड़ेंगे, मूल जमा करना पड़ेगा, और आपकी पेंशन उस दौरान बनेगी 59,511। तो ये है, और जबकि ये टोटल अमाउंट भी मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन यदि छोड़ दें, देखिए इन्फ्लेशन का रेट आज की डेट में 5-6% है, प्लस इंटरेस्ट 5-6% इंटरेस्ट, प्लस 5-6% इंटरेस्ट जो आपको 6% इंटरेस्ट जो आपको बैंक से मिलता है, इस तरह ईपीएफओ हमारे फंड पे जो 11-12% कमाता है उससे ये पेंशन दी जाती है। ये भी लोगों का डाउट है कि ईपीएफओ इतनी पेंशन कहां से देगा, यदि आपका 26-27 में महीने में वापस आ जाएगा तो आपको इतनी पेंशन कहां से देगा। सर ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है। और इस तरह आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई लोग जो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि मेरी, बहुत बार वो लिखते हैं कि भाई मेरी पेंशन इतनी है, मेरी पेंशन इतनी है, मुझे कैलकुलेट कर दीजिए, मुझे कैलकुलेट, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, बहुत क्लियर सी बात है, जब तक हमें एक्सेल में आप डाटा नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक्सेल में डाटा भेजने से ही इजी होता है और हम जल्दी कर पाते हैं। इसमें भी बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत बार हमें चेक करना पड़ता है, बहुत बार ये सोचना पड़ता है कि जरा सी भी गलती ना हो जाए। तो इसमें मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें एक दिन की भी गलती नहीं है। और जो ईपीएफओ, और ये भी मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरा दावा है कि ऐसी कैलकुलेशन करके आपको ईपीएफओ भी नहीं देगा, दावा है मेरा, ईपीएफओ भी नहीं देगा और आपके जितने भी और कोई लोग हैं वो भी नहीं देंगे इस तरह का कैलकुलेशन करके। तो यदि आपको ये देखना है तो आप ऐसा देख सकते हैं, और इसमें टोटल एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब है, आप इसे समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।